ये देखिए गाइस, इनको मैं इतनी बार उठा चुकी हूँ कि आज हमें जाना है और ये अभी तक सो ही रहे हैं। मोंटी मोंटी उठ जाइए। अभी हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में आपको पता है हम लोग घर पे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है। हमें घूमना भी होता है, हमें खाना भी है अच्छा अच्छा, और हमें वेट भी नहीं करना है। बट ऑब्वियसली आप सोचो कम टाइम में हमें ज्यादा चीज एक्सप्लोर। हाँ एग्जैक्टली। अब किसी भी आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे या कोई भी कैफे में जाओगे तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे हाफ एन आवर तो वेट करना ही पड़ेगा। पर हमें क्या, उतना भी हमें वेट नहीं होता है। तो एक तो हमें ट्रैफिक नहीं, हमें ट्रैफिक से भी बचना है, हमें जल्दी खाना भी है, हमें बहुत सारा घूमना भी है। अभी तो कभी कभी मुझे ये लगता है यार कि दिन में 24 घंटे नहीं, दिन में 48 घंटे होने चाहिए। बट हाँ, वर्किंग आवर 9 आवर्स ही होने चाहिए। बट हाँ, 48 आवर्स का दिन होना चाहिए, वर्किंग 9 आवर्स की ही होनी चाहिए। बहुत कहाँ चलना है वैसे, बताओ रितिका, जल्दी बताओ कहाँ चलना है, जबलपुर। क्या सोचा तुमने? जबलपुर नहीं, जबलपुर तो ठीक है, पर जबलपुर में कहाँ कोई घूमने लायक जगह होनी चाहिए। बोरिंग शहर हो गया पता, जबलपुर में कुछ बच्चा ही नहीं है वहाँ पे घूमने लायक, मैं आपको बता रहा हूँ। बीवी महंगी लायो नहीं, वो ठीक है पर घूमने लायक कुछ तो बताओ, कहाँ चले? धनवंतरी नगर चलो ना, शिव जी का नया मंदिर बना ना, केदारनाथ टेम्पल। और वो ठीक है, पर उसके पहले मुझे भूख लगी, कुछ खाना भी तो है यार, कुछ रूफटॉप कैफे। रूफटॉप कैफे चलो ट्राई करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं रूफटॉप कैफे, कैफे कौन सा है देखते हैं, आपको भी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलेंगे उसके बाद वहीं पर शीन भी खुल गया है तो प्लीज शॉपिंग। मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम क्या बोल रही हो, प्लीज शॉपिंग करा देना, शीन खुल गया है जबलपुर में। गाइज हम लेट हो रहे हैं, अभी हम चलते हैं, चलिए हमारे साथ। सुनाई नहीं देगा? नहीं मतलब क्या क्या बोल रही, नहीं सुनाई पड़ रहा। सुनाई नहीं देगा? अपनी कार की एसेसरीज की कुछ बात होती तो फटाफट सुनाई दे जाता। बेबी वो इम्पोर्टेंट है। ओ हेलो, कोई बेबी बेबी नहीं, शीन जाना है मतलब जाना है। चलिए गाइज चलते हैं शीन, शॉपिंग करानी है और देखते हैं क्या। आप सब भी अपने पतियों से ऐसी जिद किया, जनहित में जा रही। देखो कितना पानी भरा हुआ है। एक्चुअली वो पानी जो आप देख रहे हो ना, वो बरगी डैम का पानी है जो यहाँ तक आ चुका है। इस जगह हम खड़े हैं, उस जगह का नाम है नारायणगंज। अरे रितिका कुछ कर रही है, क्या कर रही हो? कटोरी में डाल के तुम्हें पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कटोरी में डाल के तुमने बोल दिया इतना गंदा मुझे कि मैं गिलास नहीं लाई हूँ, तो कम से कम मैं यही एक साधन से तुम्हें पिला देती हूँ। रेड बुल पिला मत देना। हमें कोई गिलास नहीं मिला तो ये बॉटल के ढक्कन में हम लोग मत गंदी करना। बॉटल के ढक्कन में हम लोगों को रेड बुल पीनी पड़ रही है ये देखो, क्योंकि हम लोग कोई गिलास लेकर के नहीं आए हैं। खामियाजा आप ही का है, ये कहाँ लिखा है सारे काम पत्नी करेगी। मजा आ रहा है इसमें कर सकता। अरे तो अपनी गाड़ी में हमेशा होता है ना, एक्चुअली में तो खत्म हो गया ना, तो अपनी गाड़ी का ध्यान भी तो खुद रखना, जैसे पेट्रोल खत्म करके फिरते रहते गाड़ी लेके, वैसे ही वो भी कर दिया ले पुत्त और पी ले पुत्त। वैसे इसको ना हम लोग रेड बुल शॉट्स बोल सकते हैं। नो 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 नो, खेला खोलना है ये रेड बुल शॉट्स का। Thank you.
वैसे अभी हम आए हुए हैं मोका कैफे, तो चलिए मेन्यू देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या ऑर्डर करना है। यार ये अजीब अजीब से नाम है पता है मुझे। एक्चुअली मैं होता क्या, मतलब डिस्क्रिप्शन पूरा लिख के रखा हुआ है, मानसून मालाबार अरबिका, पता नहीं क्या है ये अरबिका, हाँ जो भी है, तो नाम ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डिशेस के। वही खाना खाने तो हम लोग आ चुके हैं, पर उसके पहले मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो लिया जाए, ड्राइविंग कर करके काफ़ी थक गया हूँ, तो थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम अपना जो है लंच करने को बैठते हैं जो कि काफ़ी डिले हो चुका है। वही देख रहे धड़कता हुआ अंगार जैसा आ रहा है, और कोई पनीर है इसके अंदर, ओ भाई साहब डिलीशियस। सर कैन आई हैव अ क्वार्टर प्लेट, हाफ क्वार्टर टेस्ट बनिया ऑसम। अच्छा ऑसम तो भाई देखो ये बिल आ चुका है, अब फटाफट से बिल पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है और हमें बाकी के काम भी अपने जो है वो निपटाने हैं। चलो जी अब खाना खा लिया बढ़िया, फटाक से चलते हैं आगे घूमने के लिए। गाइस अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं बाकी के काम करने फटाफट। ये देखो हमने मोजीटो बनवा लिया, मोजीटो तो ये लेमन वाला मोजीटो है और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली अगर हम मोका के आसपास होते हैं तो आकर के यहाँ मोजीटो जरूर पी लेते हैं। और बिलीव मी गाइस खाना और स्टार्टर इतना ऑसम था कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों रितिका, बहुत बहुत ही बढ़िया था, एम्बियंस भी प्यारा है, एम्बियंस के साथ साथ जो खाने का टेस्ट है वो भी आला है। क्यों चलो ठीक है, चलिए चलते हैं काम निपटाते हैं अपने फटाफट। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जमघट कैफे चाय पीने के लिए क्योंकि सारे काम फिनिश हो चुके हैं, शाम का समय था, चाय पीनी थी इसलिए हम आ चुके हैं चाय पीने। तो चलिए फटाफट से चाय पीते हैं और चलते हैं यहाँ से शॉपिंग करने के लिए। भाई गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी और अभी आ गए हम लोग डी मार्ट, चलिए चल के फटाफट शॉपिंग करते हैं और उसके बाद फिर घर चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है।